वर्तमान जहाँ बड़ खबर आसी पहुंचुची पुणेर सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रे जो अग्निकाण्ड घटीथला सेथिरे पांच जणकर मृत्यु होईची ए खबर वर्तमान आसी की पहुंचुची पुणेर सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रे अग्निकाण्ड घटीथला एवं पाखापाखी अपराह्न चारिटा समय रे ये खबर सामना को आसीथला एवं गोटे बड़ आश्वस्तिर विषय रही कि जोठारे कोविड कोविशील्ड टीका प्रस्तुत कर से यूनिट रे कौन प्रकार क्षति हो नाला किंतु जेहेतु भयावहता रही है अग्निकाण्डर केते परिमाण क्षयति होती कारण एने की कौन स्पष्ट सूचना आसी नाला कि वर्तमान जहाँ बड़ खबर आसी पहुंचुची ये अग्निकाण्ड में पांच जणकर मृत्यु हो पूरा अग्निकाण्ड जिते घटी से पखापाखि पंदर रु अधिक अग्निशम गाड़ी सेठे पहुंची और अग्निशम बाहन चेस्टा करते केमी संपूर्ण भाव में निआ को आयत्त करेंगे जहाँ जमापड़ी निआ को आयत्त करापड़ी पांच जणकर मृत्यु हो सारी नुआ बिल्डिंग रे निआ लगी दस रु अधिक दमकल बाहन ए लगी कारण तेज निआ लगला क्षय क्षति कौन ए नहीं कि स्पष्ट सूचना वर्तमान सुधा न आसी पांच जणकर मृत्यु होइतिबार खबर आसी पहुंचुची पुणेरू वरिष्ठ सांबादिक पंकज कुमार आम सहित जोड़ी होती पंकज जी जानना चाहेंगे तो ये जिस तरह से ये वाकया हुआ तभी से लेकर अभी तक बताया जा रहा था कि इतना बड़ी तरीके से ये आग लगी हुई है कि पता नहीं चल पा रहा है कि कितना कुछ उसमें नुकसान हुआ है लेकिन अभी जो ब्रेकिंग आ रहा है अभी जो खबर आ रही है पांच लोगों की जाने गई है क्या है सूचना आपके पास हेलो जी पंकज जी हाँ मैडम जी बताएं पंकज जी ये जिस तरह से सामने आया कि सेरम इंस्टीट्यूट में आग लगने की वजह से पांच लोगों की मौतें हो चुकी है अभी तक लेकिन वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया है तो इसके ऊपर आपके पास क्या जानकारी है मैडम वो जो कि ये तो शहर से थोड़ी दूर है ये प्लांट जी जो कि मांझरी के पास ही निश्चित प्लांट है ये जी जी पुणे के बाद और ये अभी तक उन्होंने सरकारी आंकड़ा बताया पांच जी अभी तो वो बता नहीं पा रहे हैं किस वजह से लगी और कितनी लगी है और मतलब इस बता रहे हैं कि सिर्फ गेट नंबर वन पे लगी है अभी अंदर लगी है क्या है किसी कुछ जी 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 पंकज जी वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया लेकिन जब पहले ये खबर आई तो बताया गया कि जहाँ पे कोविशील्ड तैयार किया जा रहा था उस यूनिट में आग लगी बाद में ये पता चला कि उस बिल्डिंग में आग नहीं लगी है ये उस बिल्डिंग में आग लगी जहाँ पे काम चल रहा था और ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जिस जगह पे काम हो रहा था जिस नेगलिजेंस हो सकती है क्योंकि ये क्योंकि कहीं पे सुरक्षा में चूक जरूर हुई होगी जी सब कुछ जी हमारी फोर भी होने वाला है यहाँ से ही क्योंकि हम लोग इंडिया सबसे नंबर वन वही है हम लोग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है हम लोग जी जी अभी 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 अभी, अभी की ताजा जानकारी क्या है पूरी तरह से आपके ऊपर कंट्रोल हो चुका है अभी कंट्रोल नहीं हो पाया अभी कंट्रोल चल रहा है क्योंकि मेन वजह मालूम नहीं चल पा रही है कहाँ से लगी है जी अभी मतलब 90% हो चुका है अभी बाकी है लेकिन फिर वहाँ पे काम चालू है जी कितने कितने सभी लोग खाली कराए जाते हैं जी जी कितने फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगी हुई है कोई जानकारी है आपके पास जी मैडम इवन मतलब 20 के आसपास तो लगी हुई थी हम लोग के सामने थी उसके बाद का पता नहीं क्योंकि हम लोग खाली करा दिया गया था जी जी तो जिस जी 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 बिल्कुल ये जिस तरह से लेकिन हम लोग देखे थे कि एकदम अपर फ्लोर पे आग लगी हुई थी तो क्या अभी तक कुछ कयास लगाए जा सकते हैं कि किस ये वजह क्या हो सकती है और ये जितने भी लोग अभी पांच लोगों की मौत की खबर आ रही है तो ये अंक ये संख्या आगे जाके बढ़ सकती है जी आग बढ़ने की चांसेस तो है क्योंकि आप केमिकल प्लांट में आपने पहले भी सुना होगा कि अगर बिल्कुल पंकज कुमार आम सहित जोड़ी होते पुणे वरिष्ठ सांबादिक पंकज कुमार जोड़ी होते आम सहित जहाँ सूचना वर्तमान आसिक पहुँचुची मृताहत संख्या बढ़ी पारे कहीं ये काम चली जो बिल्डिंग रे से बिल्डिंग रे निया लगी जहाँ सूचना आसिक पहुँची कि कौन सी प्रकार असुविधा है ना जो प्लांट रे कोविशील्ड टीका प्रस्तुत कर से प्लांट सुरक्षित अच्छी जो गुड़िक कोविशील्ड टीका प्रस्तुत जो स्टोर में रखा जाता ताको मध्यम कौन से प्रकार आंच आसी ना ये पूरा अग्निकाण्ड रे ये जो स्थान अग्निकाण्ड घटी ये नुआ बिल्डिंग थिला नुआ प्रोडक्शन सेंटर थिला जोठारे कि त्वरान्वित भाव में काम को आगो को बढ़ा जाऊथला केमती के अधिक रु अधिक मात्रा रे कोविशील्ड टीका प्रस्तुत करा जाई पारिबो एवं निर्माणाधीन अवस्था रे ये बिल्डिंग रही थिला से समय अग्निकाण्ड घटी जहाँ बड़ खबर वर्तमान रो सेरम इंस्टीट्यूट पुणे थिबा सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रे जो अग्निकाण्ड होईची सेथिरे पांच जणकर मृत्यु होईची।